सो गाइस आज की इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग कैरम पूल के अंदर 2022 में काफ़ी सारे जेम्स बना सकते हैं। बेसिकली ये कैरम पूल की 2022 की लेटेस्ट जेम्स ट्रिक है। वीडियो देखने में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को अभी से लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। सो गाइस ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी कि अगर हम लोग 99 रुपीज़ में 3 गोल्डन शॉट्स परचेस करते हैं और वेट किए बगैर उन तीनों गोल्डन शॉट्स को लगा देते हैं तो हमें कितने जेम्स मिलते हैं? 2200 जेम्स मिलते हैं। मैं एक दिन तो क्या एक घंटा भी नहीं बल्कि 5 मिनट भी वेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तीनों शॉट्स को बैक टू बैक लगाने की बात कर रहा हूँ, तो हमें कितने 2200 जेम्स मिलते हैं। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद आप 3 गोल्डन शॉट परचेस करने के बाद बैक टू बैक 1500-1500 जेम्स पर उसको मार सकते हैं और गाइस 4500 जेम्स आप ले सकते हैं। आपको 5 मिनट भी वेट करने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और इसी तरह कैरम पूल से रिलेटेड डेली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जामवंत गेमिंग को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर दीजिए। तो चलिए गाइज आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले जो है ना मैं 3 गोल्डन शॉट्स परचेस कर लेता हूँ अपने इस अकाउंट के अंदर, उसके बाद अभी के अभी मैं आप लोगों को 4500 जेम्स लेकर दिखाता हूँ उन शॉट्स से बगैर 5 मिनट भी वेस्ट किए। और ऊपर अगर आप लोग मेरे जेम्स चेक करें, मैं आप लोगों को अगेन से दिखा देता हूँ, 1000 जेम्स मेरी इस आईडी के अंदर पड़े हुए हैं और 3 गोल्डन शॉट्स हैं। और यहाँ पर से गाइज मैं पहली शॉट को प्ले कर रहा हूँ। और गाइज इस वीडियो के अंदर मैं एक ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ। यहाँ पर अगर ये देख ले मेरी इस तरह मतलब काफ़ी बार जो शॉट है वो मिस हो जाती है, तो आप लोग इसको मिस होने से अगर आपकी गलत भी शॉट हो जाए तो आपकी वो वेस्ट नहीं होगी, वो रिकवर हो जाएगी। तो ये किस तरीके से करना है मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा, वरना वीडियो और भी बड़ी हो जाएगी। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर देखें मैंने 3-4 बार ट्राई किया तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट लग गया, ठीक है। सो गाइस यहां पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने जो बुलजाई पर हिट करके 1500 जेम्स यहां पर से मैंने ले लिए। मेरे अकाउंट के अंदर 2500 जेम्स हो चुके हैं और 2 गोल्डन शॉट्स अभी भी पड़ी हुई हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा गाइस, आप लोग यही सोच रहे होंगे अभी तो भाई मैं 500 वाले पर हिट कर सकता हूं, लेकिन कुछ लोग समझ गए होंगे कि भाई मैं कहीं से लकी शॉट उठा कर लाऊंगा। और गाइज यहां पर जो मेरा कैरम पास है उसके अंदर एक लकी शॉट पड़ी हुई है, तो आप लोग अभी ये सोचेंगे कि भाई मतलब कैरम पास के अंदर तो टोटल 2 लकी शॉट्स होती हैं। तो इसी वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद गाइज आप 2 की बजाय हर दिन आप 2-3 लकी शॉट्स ले पाएंगे। तो वीडियो को बस एंड तक देखते रहिए। यहां पर ये जो मुझे लकी शॉट मिली है मैं इसको हिट करके यहां पर से जो है ना इसको बाईपास करूंगा। तो जैसे ही ये मतलब मैं इसको मिस कर दें भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है वो है गोल्डन शॉट का। गाइज ये देखें गाइज हमारे पास अगेन से बुलजाई पर हिट करने का ऑप्शन आ चुका है और यहां पर से गाइज मैं 1500 जेम्स पहली बार ले चुका हूं। अब यहां पर गाइज मैं दूसरी बार ट्राई करता हूं। और सो गाइज यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने दूसरी बार भी बुलजाई पर हिट करके 3000 जेम्स ले लिए हैं। मेरे इस अकाउंट के अंदर 1000 जेम्स पहले से थे और 2 बार 3000 जेम्स मैंने लिए हैं सिर्फ 2 शॉट्स को खेलकर, जिसके बाद मेरे इस अकाउंट के अंदर 4000 जेम्स हो चुके हैं और 1 गोल्डन शॉट अभी भी रहती है। इसका मतलब है अभी भी मैं एक जो है ना वो शॉट खेल कर 1500 जेम्स ले सकता हूँ। उसके लिए गाइज रात एक ऑफर आया सिनेमा सीजन का, जिसके अंदर जो है ना हमें रिवॉर्ड्स डेली रिवॉर्ड्स देखने के बाद एक लकी शॉट मिल जाती है। तो इस लकी शॉट को यहाँ पर से हम लोग देख लेते हैं एक ऐड, उसके बाद हमें लकी शॉट मिल जाएगी। ये हमें ऐसे नहीं मिलेगी, उसके बाद हमें एक बार गेम को रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे ही हमारी गेम जो है वो अपडेटिंग हो जाएगी तो उसके बाद जो है ना वो हमारे पास ये जो नॉर्मल लकी शॉट है ये भी आ जाएगी। तो यहां पर से इस लकी शॉट को खेलने के बाद अगेन से हमारा जो प्राइज है वो दोबारा से आ जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। अभी गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो सिनेमा सीजन का तो समझ में आता है, ये एक हफ्ते तक रहेगा, हम इसे लकी शॉट एक हफ्ते तक ले सकते हैं, लेकिन हम दूसरी लकी शॉट कहाँ से लाएंगे? कैरम पास के अंदर तो सिर्फ 2 ही लकी शॉट होती हैं, जिसका मतलब हम सिर्फ 2 दिन ही कैरम पास के अंदर वाली लकी शॉट को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज दूसरी लकी शॉट आप लोग ला सकते हैं लकी बॉक्स से। जी हाँ गाइज, ये मैं पहले भी अपने 1-2 वीडियोज़ के अंदर बात कर चुका हूँ और पिछली बार तो मैंने प्रूफ के साथ लकी बॉक्स से मैंने लकी शॉट लेकर आप लोगों को इसी तरह जेम्स बनाकर दिखाए थे। यार लकी बॉक्स के अंदर मैं जब भी लकी बॉक्स खेलता हूं मुझे 2-3 लकी शॉट्स इजीली मिल जाती हैं हर बार। बट गाइज यहां पर आप लोग देख लें तीसरी बार भी मैंने बुलजाई पर हिट करके 1500 जेम्स ले लिए। मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, ना ही मैंने 1 मिनट भी वेट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट खेलता गया और 4500 जेम्स अपने इस अकाउंट के अंदर ले लिए हैं। तो गाइज अगर आप लोगों को अभी भी हमारी ट्रिक समझ में नहीं आई तो वीडियो को आप लोग स्टार्ट से देख सकते हैं, और अगर आप लोग हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।
सो गाइज, मैंने अपने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिर्फ बताया ही नहीं है बल्कि प्रूफ के साथ लाइव करके दिखाया है। बताने से ज़्यादा करके दिखाने में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को प्रूफ के साथ ये ट्रिक यूज़ करके दिखाई है। तो गाइज, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है और इसी तरह कैरम पुल से रिलेटेड वीडियोज़ आप डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर दें। आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।